Hello everyone, welcome to another video of newspaper vocabulary series. Before starting the video, please subscribe our channel in order to get timely notifications. Please like, share and comment our videos. Let's begin our video today. Our first word today is restrictions. Restrictions. Iska matlab hai pabandiyan. Restrictions, pabandiyan. Our next word is balance of payments. Balance of payments. Dosto, balance ka matlab hota hai tawazun aur payments ka matlab hai adaigiyan. To ye word banega adaigiyon ka tawazun. Balance of payments, adaigiyon ka tawazun. Our next word is foreign. Foreign ka matlab hai jis cheez ka taluk kisi dusre mulk se ho. Foreign. जिस चीज़ का ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से हो या बैरूनी. आवर नेक्स्ट वर्ड इज बूस्ट. बूस्ट. बूस्ट का मतलब है फरोग. बूस्ट, फरोग. आवर नेक्स्ट वर्ड इज एडवाइजर. एडवाइजर. एडवाइजर का मतलब है मुशीर. एडवाइजर, मुशीर. अगला वर्ड देखेंगे प्रिवेंट. प्रिवेंट. इसका मतलब है रोकना. प्रिवेंट, रोकना. आवर नेक्स्ट वर्ड इज अननेसेसरी. अननेसेसरी. इसका मतलब है गैर ज़रूरी. अननेसेसरी, गैर ज़रूरी, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो. आवर नेक्स्ट वर्ड इज इनस्टेबिलिटी. इनस्टेबिलिटी. इसका मतलब है अदम इस्तेहकाम. इनस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम. अगला वर्ड है ओपाइन. ओपाइन. इसका मतलब है राय देना. ओपाइन, राय देना. दोस्तों, ये ओपिनियन से मिलता जुलता वर्ड है और इसका मीनिंग भी उससे मिलता जुलता ही है. आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिवाइविंग. रिवाइविंग. इसका मतलब है जिंदा होना. रिवाइविंग, जिंदा होना. अगला वर्ड है डेब्ट सर्विसिंग. डेब्ट सर्विसिंग. इसका मतलब है कर्ज़ों की अदायगी. और ये वो कर्ज़े होते हैं दोस्तों जिसमें प्रिंसिपल पेमेंट भी शामिल होती है, सूद भी शामिल होता है, और ताखीर से अदायगी करने पर जो जुर्माना होता है वो भी शामिल होता है. तो उसके लिए ये एक कंसोलिडेटेड टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, डेब्ट सर्विसिंग, कर्ज़ों की अदायगी. ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन. इसका मतलब है ज़िम्मेदारी. ऑब्लिगेशन, ज़िम्मेदारी. अगला वर्ड देखेंगे डेफिसिट. डेफिसिट. इसका मतलब है खसारा. डेफिसिट, खसारा. आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन. इसका मतलब है बहाली. रिहैबिलिटेशन, बहाली. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो. उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा. देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लर्न इंग्लिश 687.